योर फ्रेंड मुकेश। दोस्तों, आज बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करते हैं और वो महत्वपूर्ण और गंभीर विषय आपके और हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है और वो विषय है दोस्तों सड़क सुरक्षा से संबंधित। आए दिन आप भी देखते होंगे कि तमाम दुर्घटनाएं सड़कों पर होती है और कहीं ना कहीं हम सब लोगों को सड़कों पर चलना होता है किसी ना किसी काम की वजह से। तो इस सड़क दुर्घटना के जो गंभीरता है इस विषय को हमें समझना होगा, इसको थोड़ा गंभीरता से लेना होगा और जो सड़क पे चलने के जो नियम कानून हैं उनको अमल में लाना होगा, तभी दोस्तों हम इन सड़क दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। आइए मैं कुछ ऐसे आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूँ जिससे आप इसकी गंभीरता को समझ सकें। दोस्तों, हमारे देश में प्रत्येक वर्ष सड़क दुर्घटनाओं में मरने वाले व्यक्तियों की संख्या चाइना में मरने वाले व्यक्तियों की संख्या से 2 गुना, जबकि चाइना की पॉपुलेशन हमसे काफ़ी अधिक है। इसी प्रकार दोस्तों, आतंकवादी घटनाओं से हम बहुत त्रस्त रहते हैं, परेशान रहते हैं, तमाम प्रकार की राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पे डिबेट होती है, बहस होती है आतंकवाद को लेके, अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों, एक साल में आतंकवादी घटनाओं में जितने लोग हमारे देश में मारे जाते हैं उससे लगभग 4 गुना व्यक्ति प्रत्येक साल सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं। प्रत्येक दिन एक अनुमान के अनुसार पिछले 27 वर्षों में जितने व्यक्ति आतंकवादी घटनाओं में मारे गए हैं उसका लगभग 3 गुना व्यक्ति एक साल में ही हमारे देश में सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं। सन 2016 में दोस्तों रोड ट्रांसपोर्ट एवं हाईवे मिनिस्ट्री की एक रिपोर्ट आई थी, उसमें 2016 के आंकड़े प्रस्तुत किए गए थे। उसके अनुसार दोस्तों हमारे देश में प्रत्येक साल लगभग 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं और उन 5 लाख एक्सीडेंट में लगभग 1.5 लाख लोग प्रत्येक साल मौत के मुंह में समा जाते हैं और लगभग 5 लाख के आसपास ही लोग गंभीर घायल हो जाते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं, फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, विकलांग हो जाते हैं। तो दोस्तों, हर साल इतना नुकसान हमें जान और माल का हो जाता है। उसी रिपोर्ट, भारत सरकार की उसी रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों, अगर उसको थोड़ा हम प्रतिदिन के हिसाब से देखें तो दोस्तों 1317 एक्सीडेंट हमारे देश में प्रत्येक दिन होते हैं, जिसमें 413 लोग प्रत्येक दिन मारे जाते हैं। इसी को और अगर हम घंटे के हिसाब से देखें तो दोस्तों प्रत्येक घंटे जो औसत है हमारे देश का, प्रति घंटा हमारे देश में 55 एक्सीडेंट होते हैं और जिनमें 17 लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं। कितना गंभीर विषय दोस्तों। क्या ये हमने कभी सोचा है कि ये सब दुर्घटनाएं क्यों होती है, इनके पीछे क्या प्रमुख कारण है? एक सर्वे के अनुसार दोस्तों, दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण ड्राइवर की मिस्टेक, ड्राइवर की गलती को माना गया है। लगभग 84% एक्सीडेंट दोस्तों हमारे देश में ड्राइवर की गलती से होते हैं। दूसरा जो बड़ा प्रमुख कारण है वो है ओवरलोडेड वाहन, यानी कि अक्षमता से अधिक यात्री को ढोना या अक्षमता से अधिक भार को ढोना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है और ये लगभग 14% सड़क दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार है। तीसरा बड़ा कारण होता है दोस्तों हमारे वाहनों की मैकेनिकल कंडीशन ठीक ना होना, उनकी यांत्रिक दशा ठीक ना होना, जैसे कि ब्रेक फेल हो जाना, क्लच फेल हो जाना या वाहन के टायर ब्रस्ट हो जाना। और एक प्रमुख कारण सड़कों की स्थिति, सड़कों में गड्ढे होना, सड़कों का मेंटेनेंस ठीक ना होना, ये भी एक प्रमुख कारण है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा जो प्रमुख कारण है वो है ड्राइवर की मिस्टेक, जिसके कारण 84% एक्सीडेंट हमारे देश में होते हैं। तो आइए आज इसी विषय को समझते हैं कि क्योंकि हम सब लोग कभी ना कभी ड्राइवर जरूर होते हैं। जब हम अपना बाइक चला रहे होते हैं, कार चला रहे होते हैं, टैक्सी मैक्सी कुछ भी चला रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं हम ड्राइवर की भूमिका में होते हैं। तो ज़रा इस विषय को समझते हैं, कौन कौन सी ड्राइवर की ऐसी गलती होती है जिनकी वजह से सड़क दुर्घटना होती है। दोस्तों उसमें सबसे बड़ा है कारण ओवर स्पीडिंग। लगभग 61% दुर्घटनाएँ ओवर स्पीडिंग की वजह से होती है, यानी कि लगभग 74,000 आदमी प्रत्येक साल ओवर स्पीडिंग के कारण सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं। इस विषय को थोड़ा और गंभीरता से सोचना होगा दोस्तों। जब हम लगभग 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से अपना वाहन चलाते हैं और सामने वाला वाहन भी उसी स्पीड से हमारे वाहन से टकराता है, तो उससे जो
उस दुर्घटना से जो नुकसान होता है वो नुकसान एक पांचवी मंजिल से गिरने पर जो हमारे शरीर को होता है उसके बराबर होता है। तो ओवर स्पीडिंग कभी ना करें। हर जगह आपने बोर्ड देखे होंगे एक निर्धारित गति सीमा लिखी रहती है, उसका पालन करें, अपने वाहन को निर्धारित गति सीमा में चलाएं। और ये जो 61% सड़क दुर्घटनाओं का कारण ओवर स्पीडिंग बनती है, इससे हम बच सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों दूसरा जो ड्राइवर की बड़ी मिस्टेक होती है वो है गलत तरीके से ओवरटेक करना। आगे स्पेस नहीं होता है, जगह नहीं होती, पर्याप्त स्थान नहीं है, लेकिन फिर भी हम जल्दबाजी में ओवरटेक कर जाते हैं। दोस्तों लगभग 8% सड़क दुर्घटनाएं गलत तरीके से ओवरटेक करने के कारण होती है। तीसरा बड़ा कारण है दोस्तों शराब का, मदिरा का, अल्कोहल का या ड्रग्स का सेवन करके वाहन चलाना, नशे में गाड़ी चलाना। इसके कारण भी दोस्तों 5% सड़क दुर्घटनाएं होती है, जिसको हम अपनी समझदारी से रोक सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों मोबाइल फोन का प्रयोग करते समय गाड़ी चलाना, मोबाइल फोन का प्रयोग करना भी एक बहुत गंभीर समस्या बनता जा रहा है। दोस्तों लगभग 2% सड़क दुर्घटनाएं इसके कारण होती है, यानी कि प्रत्येक साल अगर देखा जाए तो 2138 लोग केवल इसी कारण यानी कि मोबाइल का प्रयोग करते समय, वाहन चलाते समय मारे जाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो ऐसी गलती कभी ना करें। इसी प्रकार दोस्तों रेड लाइन को जंप करना, 1% सड़क दुर्घटनाएं इस कारण भी होती है। रॉन्ग साइड पर वाहन चलाना, ये भी बहुत गंभीर मिस्टेक हम लोग करते हैं, गलत दिशा में, गलत साइड में वाहन चलाते हैं। लगभग 4.7% सड़क दुर्घटना इस कारण होती है, यानी कि 5700 लोग लगभग इसी वजह से मारे जाते हैं। इसी प्रकार दोस्तों वाहन चलाते समय अपनी लेन को बदलना, गलत तरीके से लेन को बदलना या लेन को जंप करना, इसके कारण भी दोस्तों 2.3% सड़क दुर्घटनाएं होती है, जिनमें लगभग 2800 लोग प्रत्येक साल अपनी जान गंवा देते हैं। और एक प्रमुख कारण ड्राइवर की मिस्टेक का और है, कई बार ड्राइवर लंबे समय तक गाड़ी चलाते हैं, कई कई घंटे तक गाड़ी चलाते हैं, जिससे उनको थकान हो जाती है, वो नींद की अवस्था में रहते हैं, और या कई बार वो बीमारी की अवस्था में वाहन चलाते हैं। तो इस कारण भी दोस्तों हमारे देश में 1.5% सड़क दुर्घटना होती है, लगभग 1800 लोग प्रत्येक साल इसी वजह से मारे जाते हैं, क्योंकि ड्राइवर नींद में होता है या वो बीमार होता है या वो थका हुआ होता है। और दूसरे भी जो इम्प्रॉपर रीजंस होते हैं कुछ ड्राइवर के, जिनके कारण 15% सड़क दुर्घटनाएं होती है। छोटे बड़े और ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उनमें भी लगभग 18,000 व्यक्ति प्रत्येक साल मारे जाते हैं। तो दोस्तों ड्राइवर का जिम्मेदारी कितनी महत्वपूर्ण है आप इस विषय को समझ सकते हैं। लगभग 84% एक्सीडेंट के लिए ड्राइवर जिम्मेदार होता है, चालक जिम्मेदार होता है, और वो ड्राइवर कोई और नहीं होता, वो हम खुद होते हैं। तो इस विषय को देखना होगा, समझना होगा, चिंतन करना होगा। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण दोस्तों सड़क दुर्घटना का होता है वो होता है ओवरलोड वाहन। लगभग 14% सड़क दुर्घटनाएं ओवरलोड वाहनों से होती है। कई बार बहुत ज़्यादा अक्षमता से माल भर के ट्रक चलते हैं, या बहुत ज़्यादा सीटिंग कैपेसिटी से यात्रियों को लेकर चलते हैं, तो उसके कारण भी जब बहुत ज़्यादा ओवरलोड होता है, थोड़ा बहुत तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड वाहन होते हैं तो उससे भी लगभग 14% सड़क दुर्घटनाएं हमारे देश में होती है। तो ये कुछ प्रमुख कारण हैं, और इन सब के पीछे कहीं ना कहीं ड्राइवर जिम्मेदार होता है। तो उस विषय को समझें। सन 2016 में जो रिपोर्ट आई थी भारत सरकार के मंत्रालय की, परिवहन मंत्रालय की, उसके अनुसार दोस्तों सड़क दुर्घटना में जो लोग मारे जाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा हमारा जो देश का भावी भविष्य है यानी हमारा जो युवा वर्ग है वो होता है। दोस्तों 18 से 35 साल की उम्र के लोग लगभग 46% लोग वो होते हैं जो 18 से 35 साल की बीच की उम्र में होते हैं। इसी को अगर थोड़ा सा और विस्तार करें तो 18 से 45 साल के बीच वाले आयु के जो लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं उनका जो परसेंटेज होता है दोस्तों वो होता है 68%। और अगर हम वर्किंग पॉपुलेशन के हिसाब से देखें, यानी जो 18 से 60 वर्ष की उम्र की जो वर्किंग पॉपुलेशन होती है, उसमें लगभग 83% लोग प्रत्येक साल सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं। कितना नुकसान होता है दोस्तों हमारे देश की अर्थव्यवस्था को,
ये 18 से 60 साल की जो उम्र के लोग होते हैं, यही हमारे देश की अर्थव्यवस्था को चला रहे होते हैं, यही देश को चलाने वाले होते हैं, वर्किंग पावर होती है इनमें, नौकरी पैसा व्यापार से ये सब लोग जुड़े होते हैं, और ये पूरा 83% लोग ऐसे सड़क दुर्घटनाओं में मरने वाले यही होते हैं। अर्थव्यवस्था को जो नुकसान होता है दोस्तों, उसका अगर देखें तो जीडीपी का लगभग 3%, जो हमारी टोटल जीडीपी है यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसका लगभग 3% नुकसान इन एक्सीडेंट के कारण हमारी अर्थव्यवस्था को होता है, जो कि दोस्तों लगभग 4 लाख करोड़ रुपए बैठता है। 4 लाख करोड़ रुपये बहुत बड़ी फिगर है, हमारे देश को हर साल इतना नुकसान हो जाता है। तो दोस्तों इस चीज़ को थोड़ा समझना होगा। अब बात करता हूँ मैं व्हीकल की कैटेगरी के हिसाब से कि सबसे ज़्यादा कौन से व्हीकलों को रोड एक्सीडेंट में नुकसान होता है। दोस्तों 2016 की उसी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा टू व्हीलर्स यानी जैसे बाइक, स्कूटर, ये आपकी एक्टिवा वगैरह, सबसे ज़्यादा 34% सड़क दुर्घटना टू व्हीलर्स की होती है। दूसरे नंबर पर लगभग 24% सड़क दुर्घटनाएँ कार, टैक्सी, आपकी प्राइवेट कार, जीप और वैंस की होती है, यानी जो लाइट मोटर व्हीकल होते हैं 24% सड़क दुर्घटनाओं में वो इन्वॉल्व होते हैं। इसी प्रकार दोस्तों 21% सड़क दुर्घटनाओं का जिम्मेदार हमारे ट्रक होते हैं और केवल 6% सड़क दुर्घटनाओं की जिम्मेदार हमारी बसें होती है, और लगभग 6.5% सड़क दुर्घटनाओं का कारण ऑटो रिक्शा बनती है, और बाकी लगभग 3% दूसरे अन्य व्हीकल्स होते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो दोस्तों सबसे ज़्यादा सड़क दुर्घटनाएं छोटे व्हीकल्स की, टू व्हीलर्स की या टैक्सी मैक्सी की होती है, यानी कि हमारी जो बसें हैं वो सेफ होती है, 6% सड़क दुर्घटनाएं बसों से होती है। यानी अगर हम अपने सार्वजनिक वाहन का अधिक से अधिक प्रयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं सड़क दुर्घटनाओं को रोक सकते हैं। तो दोस्तों थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी, बहुत कुछ है इस विषय में कहने का, लेकिन मैं आज इसको यहीं समाप्त करता हूं, फिर किसी दिन और चर्चा करेंगे। बस मेरा यही आग्रह है कि इन तथ्यों को देने का यही मतलब है, यही उद्देश्य है कि इसकी गंभीरता को समझें और सावधानी पूर्वक अपने वाहन को चलाएं, और जो बड़े बड़े कारण मैंने बताए हैं उनको अवॉइड, अगर हम उनको दूर कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक हम सड़क सुरक्षा को सेफ कर सकते हैं। आज इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।